मैं चौधरी है, मैं और मेरी सहेलियां आज मिलकर एक नाटक करना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुबह से ही बर्तन धो रही हूँ, मुझे उन्हें बताऊँ माँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छे लगता है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना माँ। ये छोरी चुप कर, तुझे कौन सा कर कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। कितनी अच्छी बात है ये, बेटियाँ तो ईश्वर का उपहार है, मत छीनो इनके जीवन का अधिकार। तो चुप कर, पढ़ना लिखना तो सिर्फ लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर की जिम्मेदारियां भी तो संभालनी है। अरे कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है, और हमारी मेरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर अंकल, दादी मुझे स्कूल ही नहीं देती, कहती है तू कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, आगे चलकर तेरा चूल्हा चौका ही तो काम आएगा। अरे ये तो गलत बात है माँ जी, आप नहीं चाहती कि ये बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा हो बेटियां भाग गए मुन्ना, मेरा को भी इस स्कूल में कॉलेज मिला दी थी। अरे हाँ मैं तो इसलिए यहाँ पे इसलिए आया था कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह कैंप लगे हैं।